Everyone, welcome to Wow World. Dr. Manisha Patel here. How are you all? Good morning. Jai Hind. How's your exam? I think very nice. Now let's move ahead. As we have started chapter number 7, and last we have discussed about epithelial tissue. Now next it will be connective tissue and muscles and nerve tissue. Muscles and nerve tissue, already there is a chapter in which there is complete muscle tissue is involved, and even that nerve tissue is also there. So we have left only connective tissue, but today I will start animal cockroach. Actually, here in this chapter there are three animals to study: earthworm, cockroach and frog. But as frog is not involved in NEET, so let's start with cockroach. So cockroaches are brown or black body animals. They are included into class. Remember that class is Insecta. And we know that phylum it is involved is Arthropoda. So class Insecta, phylum Arthropoda. Cockroach, it is maybe bright yellow, red and green color, right? And such type of cockroaches are found in tropical region. Their size ranges from 1/4 inch to 3 inch. That means 0.6 to 7.6 centimeter, and they are having long antenna, right? Okay. Second thing, antenna, you know that they help in they are sensitive, right? Okay. Then they are having long antenna, even legs, and extension of the upper body wall. राइट ओके तो बॉडी भी कनेक्टेड होती है हेड के साथ. ओके नॉर्मली दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट कॉकरोचेस आर नॉक्टर्नल एनिमल्स एंड दे आर ओमनीवोरस. नॉक्टर्नल दैट मीन्स मोस्टली दे आर observed or we can see at night, right? Mostly हमें night में देखने मिलते हैं. And omnivores, they can eat anything, right? तो वो सब कुछ खा सकते हैं. And secondly, they are present omnivore, अत्र तत्र सर्वत्र, हर एक जगह पे देखने मिलता है और वो सब कुछ खाते हैं. राइट ओके एंड अपने घरों में भी देखने मिलते हैं. एंड वी नो दैट दे आर वेरी हार्मफुल बिकॉज दे आर वेक्टर फॉर सेवरल डिसीज. काफी डिसीज के लिए ये एक वेक्टर है. राइट सो कॉकरोच ध्यान रखना. अच्छा उसका मेन इंपॉर्टेंट उसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना. राइट इट्स नेम इज कॉमन स्पीसीज जो देखने मिलती है वो है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना. राइट तो ये पूछ सकते जैसे अर्थवर्म का हमें पता है फेरिटिमा पोस्थ्यूमा. फ्रॉग तो उसका पता है राना टाइग्रीना.
राइट? तो सेम वे कॉकरोच, इट्स साइंटिफिक नेम इज पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। ओके, ओके। सेकंड थिंग, ये जो कॉकरोचिस है उसका इंसेक्टा क्लास खास याद रखना। ओके, फाइलम आर्थ्रोपोडा, साइज 1 4 इंच बाय 4 इंच टू 3 इंचेस, राइट? दे आर नॉक्टर्नल एनिमल, रात को देखने मिलते हैं ज्यादा। ओमनिवरस, हरे हर्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स, हमें पता है कि भाई जो वेजिटेरियन एंड नॉन वेज दोनों खाते उसको बोलते हैं ओमनिवर्स, राइट? हर्बीवर्स सिर्फ घास ग्रासेस खाते हैं। ओके, एंड दैट बॉडी, राइट, वो बॉडी वॉल उसको प्रोटेक्ट करती है, राइट? ओके, नाउ फेरी प्लेनेटा अमेरिकाना साइंटिफिक नेम याद रखना। अच्छा, उसकी लेंथ याद रखना 34 to 54 to 53 mm लॉन्ग, राइट? ओके, और उसके पीछे होती है विंग्स, राइट? एंड दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल, मेल में एब्डोमेन तक विंग्स लंबी होती है। तो लॉन्ग कितने होते हैं? 34 to 53 mm। ओके, सेकंड थिंग, बात करने जाए कॉकरोच की, सो दैट बॉडी ऑफ कॉकरोच इज सेगमेंटेड, उसमें सेगमेंट्स होते हैं। खास याद रखना बेटा कि जो बॉडी है कॉकरोच की वो थ्री पार्ट में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। तो सबसे पहले हेड, देन दिस इज थोरेक्स एंड दिस इज एब्डोमेन। एक्चुअली द एंटायर बॉडी, इस जो पूरी बॉडी है इट इज कवर्ड बाय एक्सो स्केलेटन। एंड एक्चुअली ये जो एक्सो स्केलेटन होता है वो काइटिन का बना होता है, और काइटिन के जो एक्सो स्केलेटन पूरी बॉडी पे होता है, इसीलिए जो कॉकरोच होता है वो जल्दी मरता नहीं है, और इसीलिए वो लॉन्ग टाइम सर्वाइव होता है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सोस्केलेटन। सो इट कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट? सो क्वेश्चन 12th में आएगा हमारा एक क्वेश्चन कि वाई दैट आर्थ्रोपोडा एनिमल्स सर्वाइव लॉन्ग टाइम, या फिर उसके नंबर्स बहुत ज्यादा है तो क्यों उसके नंबर्स ज्यादा होते हैं? बिकॉज दे सर्वाइव लॉन्ग टाइम। वाई? बिकॉज दे आर हैविंग एक्सोस्केलेटन विच इज मेड अप ऑफ चिटीन और काइटीन, सो वी कैन इजिली डिस्ट्रॉयड। नाउ दैट एक्सोस्केलेटन, ये जो एक्सोस्केलेटन होता है, राइट, उसकी जो हार्डन प्लेट्स होती है, राइट, ये जो हार्डन प्लेट्स होती है उसको बोलते हैं स्क्लेराइट्स। सो दैट हार्डन्ड प्लेट्स आर कॉल्ड एज अ स्क्लेराइट्स। नाउ दिस प्लेट एट डोर्सल साइड विच इज नोन एज अ टर्जाइट्स, एंड एट वेंट्रल साइड इट इज नोन एज अ स्टर्नाइट्स। सो देखो, जैसे ये डोर्सल साइड है,
तो डोर्सल साइड समझ लो, ये डोर्सल साइड है तो जिसको बोलेंगे टर्जाइट, काइटेनियस प्लेट है। ये जो वेंट्रल साइड है राइट, ये डोर्सल साइड, ये वेंट्रल साइड जिसको स्टर्नाइट बोलते हैं। एंड एक्चुअली जो लेटरल साइड है, दैट लेटरल साइड दे आर नोन एज अ प्लूराइट्स। लेटरल साइड आर नोन एज अ प्लूराइट्स, दिस इज लेटरल साइड राइट। डोर्सल साइड टर्जाइट्स, वेंट्रल साइड स्टर्नाइट, दे आर स्केलेटन मतलब कि प्लेट्स होती है। एंड दैट कनेक्टिव राइट, दे आर ज्वाइन, यहां से फिर ये ज्वाइंट होता है यहां से। तो ये जो ज्वाइंट होता है वो एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है, एंड दैट ज्वाइन ज्वाइन इज नोन एज अ, वो एक आर्टिकुलर मेम्ब्रेन होती है जो ज्वाइंट का काम करती है, विच इज नोन एज अ आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। वॉट इज कॉल्ड आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। क्लियर यहां तक का बेटा एवरीवन? क्लियर राइट। स्क्लेराइट्स आर हार्डन प्लेट, जैसे ये है तो उसके ऊपर ऐसे प्लेट होगी, हार्ड प्लेट होगी राइट, तो उसको स्क्लेराइट्स बोलते हैं। डोर्सल साइड पे ऐसी जो प्लेट होगी दैट इज नोन एज अ टर्जाइट, वेंट्रल साइड पे जो प्लेट है उसको बोलेंगे स्टर्नाइट, और लेटरल साइड पे होगी उसको बोलेंगे प्लूराइट्स, और जो कनेक्टिव है दैट इज नोन एज अ आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन राइट। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास इंसेक्टा, साइंटिफिक नेम पेरिप्लेनेटा, एंड दिस स्क्लेराइट्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ एक्चुअली दैट हेड ऑफ कॉकरोच इज ट्राइंगुलर इन शेप। कॉकरोच ना हेड देखने जाए तो वो ट्राइंगुलर शेप का होता है। राइट, एंड इट लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल टू द लॉन्जिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। एक्चुअली जो पूरी बॉडी एक्सिस होती है, ऐसे बॉडी है समझ लो, तो उसके राइट एंगल में देखो ऐसे, जैसे ये पूरा कॉकरोच है तो उसके ऐसे राइट एंगल में उसका हेड होता है, तो पूरी बॉडी ऐसे और उसका हेड ऐसे राइट एंगल में, समझ में आया? बॉडी ऐसे तो राइट एंगल में ऐसे उसका हेड होता है राइट। जैसे ये बॉडी है तो यहाँ पे राइट एंगल में उसका हेड होगा। सो हेड इज ट्राइंगुलर इन शेप एंड इट लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल टू द लॉन्जिट्यूडनल बॉडी एक्सिस राइट। एक्चुअली दैट बॉडी इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ सिक्स सेगमेंट्स। तो उसकी जो बॉडी होती है उसमें सिक्स सेगमेंट होते हैं। हाँ, इट शोज ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डिरेक्शन। हाँ, इन ऑल डिरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। उसका जो नेक होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, इसी वजह से वो क्या होता है कि हर एक एंगल में अपना हेड मूवमेंट करवा सकते हैं राइट। ओके सो हेड इट इज एट राइट एंगल, united with body by flexible neck like structure and it can move in all direction. याद रखना that head is composed of six segment. Actually हमारी बुक में नहीं है but just I will show you that head capsule. ये जो head mane है it bears a pair of compound eye. तो यू कैन सी हियर दिस इज कंपाउंड आई, कंपाउंड आई विच इज मेड अप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2000 यूनिट ऑफ ओमीटीडिया। ऐसे हेक्सागोनल ओमीटीडिया होते हैं, सिंगल इज ओमीटीडियम, एंड दैट कॉकरोच कैन सी मोजेइक इमेज। उसको ऐसे पूरी एक इमेज नहीं देखती है,
बट जैसे उसको सर्कल देखना है तो ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ऐसे करके ये जो उसके यूनिट है वो तोड़ 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 के ऐसे पूरा देखेंगे, तब जाके उसको पूरे ऐसी एक इमेज दिखती है। सो दैट इमेज इज नोन एज अ मोजेक इमेज। याद रखना जो कॉकरोच है उसमें ये 2000 ओमिटिडियम होते हैं, बिकॉज ये कंपाउंड बहुत सारे यूनिट मिलके जो आई बनती है उसको कंपाउंड आई बोलते हैं। तो उसका जो विजन होता है वो मोजेइक विजन, याद रखना मोजेइक विजन होता है, विच इज हैविंग मोर सेंसिटिविटी बट लेस रिजोल्यूशन। मोर सेंसिटिविटी एंड लेस रिजोल्यूशन। अच्छा, ये जो कंपाउंड आई होती है ये इमेज प्रोड्यूस करती है, इमेज फॉर्मेशन के लिए कंपाउंड आई होती है, बट ये जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच में यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिंपल आई भी होती है, दिस इज सिंपल आई, और सिंपल आई का फंक्शन है परसीव लाइट, राइट? जो सिंपल आई है इट फंक्शन इज परसीव लाइट, लाइट को गेन करता है। कॉकरोच में यहां पे सिंपल आई के नीचे ऐसे एंटेना अराइज होते हैं, सो इट पजेस वन पेयर ऑफ एंटेना, राइट? अब देखने जाए तो यहां पे ऐसे दो पार्ट है, दैट इज एपी क्रैनियल पीसेस, तो दो होते हैं। फिर यहाँ पे ये जो पार्ट है जिसको फ्रॉन्स बोलते हैं वो सिंगल होता है। यहाँ पे ये एक जो होता है ये सिंगल, दैट इज क्लिपस, क्लिपस सिंगल होता है। और यहाँ पे वन पेयर ये जो है वो गैना है, वो टू है। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे सिक्स सेगमेंट बन जब यूनाइट होते हैं तब जाके उसकी ये हेड फॉर्मेशन होता है, राइट? तो अपने में तो याद रखना है कि सिक्स सेगमेंट फ्यूज होके राइट हेड बनता है, तो ये चीज याद रखना। ये मेम्ब्रेनियस जो सॉकेट होता है उसमें से एंटेना अराइज होते हैं, एंटेना दे हैव सेंसरी रिसेप्टर एंड दिस एंटेने हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द एनवायरमेंट। वो सेंसिटिव होते हैं एनवायरमेंट को, वो मॉनिटर करते हैं। ओके, नाउ एंटीरियर एंड ऑफ हेड, हेड के जो आगे का पोर्शन होता है वहां पे अपेंडेजिस होते हैं, और याद रखना ये जो भी अपेंडेजिस है, अपेंडेजिस का फंक्शन ये नीट में पूछा हुआ है, बाइटिंग एंड च्यूइंग, बाइट करने में और फूड को च्यू करने में हेल्प करते हैं, वो है माउथ पार्ट्स। तो अपेंडेजिस में माउथ पार्ट्स होते हैं, माउथ पार्ट्स का फंक्शन क्या है, बाइटिंग एंड च्यूइंग। चलो अब देख लेते हैं कि भाई माउथ पार्ट्स कैसे कैसे फॉर्म होता है और माउथ पार्ट्स में क्या क्या होता है। तो माउथ पार्ट में यहाँ पे ये लेबलिंग में फिगर पूछते हैं, ध्यान रखना साथ में ड्रॉ करना। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे है लेब्रम, लेब्रम जिसको आप अपर लिप भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे नीचे
तो आप देख सकते हो ये है लेबियम, विच इज नोन एज अ लोअर लिप, ये भी सिंगल होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये थ्री टीथ जैसा स्ट्रक्चर है। सो लेब्रम वन, लेबियम वन। नाउ हियर यू कैन सी दिस इज मैंडिबल, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंसिजिंग रीजन है और ये ग्राइंडिंग रीजन है। राइट, सो दिस इज मैंडिबल। याद रखो मैंडिबल भी वन पैर में होती है। सो दिस इज ग्राइंडिंग रीजन एंड दैट लोअर वन इज इंसिजिंग रीजन, जो कटिंग करने में हेल्प करता है। एंड हियर देर इज वन पैर ऑफ मैक्सिली। टू थ्री फोर फाइव। ओके, सो दिस इज मैक्सिली। मैक्सिली आर ऑलवेज अगेन प्रेजेंट इन पैर। सो लेब्रम विच इज नोन एज अपर लिप, लेबियम लोअर लिप, मैक्सिली विच इज नोन एज अ जो, राइट, एंड मैंडिबल अगेन दिस साइड जो। ओके, याद रखना ये जो मैंडिबल होता है वो ओनली मूविंग पार्ट होता है, राइट। और सेंटर में आप देख सकते हो, यहाँ पे आप ये देख रहे हो दैट इज टंग लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज हाइपो फेरिंग्स। दिस इज हाइपो फेरिंग्स। क्लियर यहाँ तक का बेटा? सो दिस इज माउथ पार्ट्स। माउथ पार्ट्स फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, खास ध्यान रखना, राइट। और कौन सा सिंगल है, कौन सा पैर में होता है, वो 100% पूछते हैं, राइट। और टंग दैट इज हाइपोफैरिंक्स। सो हाइपोफैरिंक्स विच एक्ट एज अ टंग, राइट। सो दिस इज अबाउट माउथ पार्ट्स। नाउ एक्चुअली थोरेक्स, थोरेक्स कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। अगर हम थॉरेक्स की बात करने जाएं, सो दैट थॉरेक्स इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, प्रोथॉरेक्स, मेजोथॉरेक्स एंड मेटा थोरेक्स। प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। एक्चुअली दैट हेड, हेड इज कनेक्टेड विथ थोरेक्स बाय शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथोरेक्स विच इज नोन एज अ नेक।
मैंने पहले ही बोल दिया कि हेड थोरेक्स से सब जॉइंट होता है किसके थ्रू, नेक के थ्रू. नाउ सेकंड थिंग, ईच थोरेकिक सेगमेंट इट पजेस, ईच थोरेकिक सेगमेंट, हर एक सेगमेंट दे पजेस अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग. सो वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई ये जो थोरेक्स है, थोरेक्स में तीन पार्ट हैं, प्रो मेजो मेटा. सो थोरेक के हर एक सेगमेंट में से वॉकिंग पैर अराइज होते हैं, एंड दैट वी कैन से दैट देर आर थ्री पैर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स, और सिंपली वी कैन से दैट देर आर सिक्स लेग्स. नाउ दिस इज ऑल्सो इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट लेग इट इज कंपोज्ड ऑफ द फर्स्ट पोर्शन दैट इज कॉक्सा, देन द सेकंड दैट इज ट्राइंगुलर शेप ट्रोकेंटर, नाउ आफ्टर ट्रोकेंटर देयर इज फीमर, देन टिबिया, वन टू थ्री फोर फाइव, टार्सस, एंड एक्चुअली हियर इट इज हैविंग एरोलियम कुशन लाइक स्ट्रक्चर एंड पॉइंटेड पार्ट. एक्चुअली दिस इज हियर हैविंग एरोलियम कुशन विच हैव सीन रिप्रोडक्शन, एंड लास्टली नेल लाइक शार्प स्ट्रक्चर, हियर एरोलियम कुशन लाइक स्ट्रक्चर. तो कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया एंड टार्सस. सो लेग विच इज मेड अप ऑफ फाइव पार्ट्स. सो वी कैन से हियर दिस इज हैविंग जॉइंटेड अपेंडेंजेस, राइट. नाउ सेकंड थिंग, ये समझ में आ गया कि भाई थॉरेक्स के हर एक रीजन में से वन पैर ऑफ लेग होता है. राइट, ओके. सेकंड थिंग, विंग्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट फर्स्ट पैर ऑफ विंग अराइज, फर्स्ट पैर ऑफ विंग अराइज फ्रॉम मेजोथोरेक्स, and second pair of wings arise from metathorax. तो मेजो में से वन विंग अराइज होती है और मेटा में से another pair of wings. This is pair of wing, right? So there are two pairs of wings. First pair of wing arise from mesothorax and second pair of wing arise from metathorax. First pair of wing which is known as a four wings, or we can say mesothoracic wings, and these four wings they are known as a tegmina. This is most important tegmina, and these wings are opaque dark, they are leathery, and they cover hind wings when at rest. जब भी वो रेस्ट करता है तो वो हिंड विंग्स को कवर करता है. सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स दे आर हिंड विंग्स. दिस विंग्स आर ट्रांसपरेंट, दे आर मेम्ब्रेनियस, एंड दे आर यूज फॉर फ्लाई. मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये उड़ने के काम में आते हैं, राइट. तो क्वेश्चन यहां से भी पूछ सकते हैं कि विच विंग्स हेल्प्स टू फ्लाई. तो याद रखना हिंड विंग्स,
राइट ओके, सो विच विंग्स आर ट्रांसपेरेंट, तो ये भी ध्यान रखना, ट्रांसपेरेंट होती है हिंड विंग्स, क्लियर। हिंड विंग्स कहाँ से अराइज होते हैं वो भी चीज ध्यान रखना, ओके क्लियर। नाउ सेकंड थिंग, विंग्स कितने पैर होते हैं, सो टू पैर ऑफ विंग्स, ये भी याद रखना, फर्स्ट पैर टेगमीना एंड सेकंड पैर राइट दैट इज हिंड विंग विच हेल्प्स इन फ्लाइट, सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, विंग्स हो गए, लेग्स हो गए, अब बात आई एब्डोमेन, सो दैट एब्डोमेन इन बोथ मेल एंड फीमेल इट कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट, उसके में कितने सेगमेंट होते हैं, 10 सेगमेंट होते हैं राइट ओके। इन फीमेल बात कर रहे हैं, फीमेल जिसमें 7 स्टर्नम होता है, 7 नंबर स्टर्नम, इट इज बोर्ड शेप एंड 8 एंड 9 स्टर्ना दे फॉर्म्स अ ब्रूड और दैट इज जेनाइटल पाउच। 8 एंड 9 स्टर्नम मन के क्या बनाते हैं, जेनाइटल पाउच, और 7 स्टर्नम कैसा होता है, बॉट शेप का होता है। एंड जेनाइटल पाउच उसका जो एंटीरियर पार्ट है विच कंसिस्ट ऑफ, जेनाइटल पाउच होगा यहां पे तो उसका एंटीरियर पार्ट यहां पे इट कंसिस्ट ऑफ और इट कंटेन्स, वहां पे क्या होता है, फीमेल गोनोफोर देन स्पर्मेटिकल पोर्स, सारे वर्ड्स आ जाएंगे, एंड एक ग्लैंड होती है यहां पे कोलेटरल ग्लैंड, सब भी आएगा यहां पे, फीमेल गोनोफोर, फीमेल जेनाइटल पोर, देन स्पर्मेटिकल पोर्स एंड कोलेटरल ग्लैंड्स होती है राइट। कोलेटरल ग्लैंड एसेसरी ग्लैंड्स होती है, तो देखने जाए तो फीमेल में देखो जैसे क्या होता है, तो ये 5th सेगमेंट, फिर ये 6th सेगमेंट, 7th सेगमेंट जो होता है वो बोर्ड शेप का होता है और 8th और 9th ये 10 नंबर, ये 7, तो ऐसा बन जाता है जेनाइटल पाउच। अब देख सकते हो जेनाइटल पाउच बन गया, और वैसे देखने जाए तो 7 सेगमेंट ऐसा दिखता है बोर्ड शेप का, 8, 9 और फिर ऐसे हो जाएगा 10, ठीक है क्लियर यहां तक बेटा राइट। ये मैंने आपको डोर्सल साइड दिखा दिया और ये वेंट्रल व्यू, ये किसकी बात है, फीमेल ओके। अब मेल की बात करें, इन मेल दैट जेनाइटल पाउच और चैम्बर लाइज एट द हिंड एंड ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन में ही लास्ट में देखने मिलता है, विच इज बाउंडेड डोर्सली बाय
अगेन देखो यहाँ पे 8th एंड 9th था स्टर्ना, यहाँ पे 9th एंड 10th टर्गा। देखो याद रखना यहाँ पे स्टर्नम कौन सा कवर करता है, तो 8 9, यहाँ पे 9 एंड 10 टर्गा एंड वेंट्रली बाय 9th स्टर्नम। देखो यहाँ पे जनरेटर पाउच कैसे बनता है, 8th एंड 9th स्टर्ना से, यहाँ पे उसको कौन कवर करता है, तो 9th एंड 10th टर्गा, बट स्टर्नम कौन सा, ओनली 9th सेगमेंट, राइट। अब जब मेल की बात करें तो यहाँ पे डोर्सल क्या होता है, एनस वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर एंड गोनेपोफाइसिस। गोनेपोफाइसिस काइटिन के स्ट्रक्चर होते हैं जो उसको रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कॉकरोच में हम मेल की बात करें तो मेल में पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल होती है। देखो मेल में 10th सेगमेंट में बात करें जैसे है, तो वहां पे ऐसे एनल स्टाइल होती है। बट दिस एनल स्टाइल विच इज एब्सेंट इन फीमेल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेल और फीमेल को अगर आपको कैसे पता चलेगा कि अलग कैसे है, तो मेल में एनल स्टाइल होती है, फीमेल में एनल स्टाइल नहीं होती है। बट बोथ मेल एंड फीमेल सेक्सेस दोनों में 10th सेगमेंट में एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज अ एनल सर्की। तो एनल सर्की की बात करें वो सेगमेंटेड होती है, एनल सर्की मेल और फीमेल दोनों में होती है। एनल सर्की मेल और फीमेल दोनों में होती है, बट स्टाइल जो होती है वो उसमें कोई सेगमेंट नहीं होता है। तो दिस स्टाइल विच इज प्रेजेंट इन ओनली मेल। तो मेल और फीमेल कॉकरोच का डिफ्रेंसिएशन कैसे पता चलेगा, तो ध्यान रखना कि मेल में स्टाइल होती है, फीमेल में स्टाइल नहीं होती है। सो एनल स्टाइल विच इज प्रेजेंट इन मेल, बट एनल स्टाइल इज एब्सेंट इन फीमेल, राइट। बट एनल सर्की विच इज प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल कॉकरोच, राइट। सेकेंड थिंग, आपको कैसे पता चलेगा कि वही मेल कॉकरोच कौन सा है और फीमेल कॉकरोच, तो उसका जो एंटेना होता है बेटा, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो ये फर्स्ट सेगमेंट, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो सेकंड एंटेना से पता चलता है कि एंटेना में जो मेल है, मेल में सेकंड नंबर का सेगमेंट बड़ा होता है, और जो फीमेल है, फीमेल में थर्ड नंबर वाला सेगमेंट बड़ा होता है। तो एंटेना मेल में सेकंड सेगमेंट बड़ा होता है और फीमेल में थर्ड सेगमेंट बड़ा होता है। तो ये एंटेना के थ्रू भी आप बता सकते हो कि कॉकरोच मेल है कि फीमेल। तो कॉकरोच मेल है या फीमेल, अगर आपको बाहर से देख के बोलना है, तो फर्स्ट आप बोल सकते हो दैट इज थ्रू एनल स्टाइल, राइट, बिकॉज एनल स्टाइल विच इज प्रेजेंट ओनली इन मेल, राइट। एंड सेकंड, जो एंटेना है उसका सेकंड सेगमेंट देखने जाए, राइट, तो वो मेल में बड़ा होता है और थर्ड सेगमेंट फीमेल में बड़ा होता है, राइट। ओके, सेकंड थिंग याद रखना, फीमेल में 7th स्टर्नम बॉट शेप, जेनाइटल पाउच कवर बाय 8th एंड 9th स्टर्ना, राइट। बट इन मेल डोर्सली 9 एंड 10 टर्गा है एंड वेंट्रली 9th स्टर्नम, राइट। फिर उसके एंड पे डोर्सल एनस होगा, मेल जेनाइटल पोर होगा वो वेंट्रल साइड पे, याद रखना, एंड गोनोफोफाइसिस, राइट।
सो दिस इज अबाउट दैट एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच. होप सो आपको ये पसंद आया होगा, तो लाइक करना भूलना नहीं. टुमोरो विल डिस्कस अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच. थैंक यू.